करबक। इस पाठ के कवि मलिक मुहम्मद जयासी हैं। जयासी निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जयास नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख मरमेज मालिक राजे असफ था। जयासी जो है कुरूप और काने थे। चेचक के कारण उनका चेहरा कुरूपहीन हो गया था तथा बाई आँख और कान से वंचित थे। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। उसमें पद्मावती, अखरावट, आखरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कनवाहत आदि प्रमुख हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावती में चित्रौद राजकुमार, रतनसेन, सिहलदीप की राजकुमारी पद्मावती और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। जयासी की मृत्यु 1648 ईस्वी के करीब मानी जाती है। मलिक मुहम्मद जयासी प्रेम के पीर कवि हैं। इस पाठ में दो करबक प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में जयासी कहते हैं, एक नयन के होते हुए भी जयासी गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। कवि यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा के तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला सूर्य नक्षत्र के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। कवि ये भी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आते हैं। और साथ ये भी कहते हैं कि समुद्र को पानी खारा इसलिए है, वह असूझक और अपार है। कवि जयासी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि जब तक घोड़िया में सोने का घैला नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु जो है सोना नहीं होता है। कवि कहते हैं कि वे एक नयन के हुए फिर भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उसकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूप वाले लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताकते रहते हैं। जयासी कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसमें प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त ले लगाकर जोड़कर इसे गढ़ा है, आंसुओं की जल में भिगोया है। कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर किया है कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब ना वह रतनसेन है और ना ही वह रूपवती पद्मावती और ना ही वह बुद्धमान सुआ है और ना ही राघव चेतना और अलाउद्दीन है। आज इसमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रची गई है। कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृतियाँ और प्रतिष्ठा इस संसार में है। उसी की तरह रह जाती है जिस तरह पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। जयासी कहते हैं कि इस संसार में यश न तो
किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। और कभी ये भी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में ही याद रखेगा।